ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज है जो मैं एक एक लेक्चर्स उसका धीरे धीरे आपको डिलीवर कर रहा हूँ। और इससे पहले वाला जो मेरा लेक्चर था वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर था, उसी का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इससे पहले वाला लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये सेकेंड पार्ट है जो मैं आज ले रहा हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ रिलेटेड एंगल्स, कि रिलेटेड एंगल्स के अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो आपको तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए मैंने ऑलरेडी दो पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं व्हाइट बोर्ड पे। पहला पॉइंट है कि अगर फंक्शन के अंदर आप थीटा प्लस माइनस करते हैं, ठीक है, या उसके अंदर शिफ्टिंग करते हैं, आप थीटा के अंदर अगर आप शिफ्टिंग करते हैं 180 डिग्री से या 360 डिग्री से आप शिफ्टिंग करते हैं, चाहे प्लस 360 करें या माइनस 360 करें, ऐसे यहां पर चाहे आप प्लस 180 करें या माइनस 180 करें, तो फंक्शन के ऊपर कोई चेंज नहीं पड़ेगा। आइए पहले इस पॉइंट को देख लेते हैं, इसको आपको समझाते हैं। साइन के लिए देखते हैं, साइन के लिए, ठीक है। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपना क्या था, रेशियो या फंक्शन जो भी आप कहें, तो फर्स्ट देख लेते हैं साइन के लिए कि साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, कहां होगा ये साइन ऑफ माइनस थीटा, ये एंगल थीटा होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये तो थीटा हो गया। उसके बाद माइनस थीटा लेना है आपको तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से बता दूं क्या, देख लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होंगे ऑल, सेकंड में, फर्स्ट में कौन है ऑल, सेकंड में साइन और कॉसेक, थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा और सेक पॉजिटिव होगा। इसका साइन कहां से आता है ये मैं ऑलरेडी इससे पहले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पॉजिटिव जहां पर जो होता है उसको पॉजिटिव बोल देते हैं, पूरा फंक्शन बना के मैंने आपको दिखाया है इससे पहले लेक्चर में, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है यहां पे। अच्छा, साइन किसका देखना है, मेन फंक्शन का देखना है, तो ये मेन फंक्शन है जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन। इस पूरे लेक्चर में मेरा पूरा फोकस जो होगा वो मेन फंक्शन की तरफ होगा, तब जब मैं साइन देखूंगा उसका, कि यहां पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो किसका साइन देखूंगा, मेन फंक्शन का, कि ये जिस क्वाड्रेंट में जा रहा है, जैसे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो यहां पे मेन फंक्शन कैसा है, मेन फंक्शन क्या है, साइन, तो साइन का साइन यहां पर कैसा होगा, निगेटिव होगा, इसलिए यहां पर आ गया माइनस थीटा, सॉरी माइनस ऑफ साइन थीटा। कॉस ले लीजिए, कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। फिर टेन ले लीजिए, टेन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव है। देन अब इनके रेसिप्रोकल देख लीजिए, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, तो कॉसेक ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होगा, निगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ कॉसेक थीटा। फिर कॉस का ले लीजिए रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, सेक ऑफ माइनस थीटा सेक ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होगा, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ सेक थीटा। और सिक्स देख लीजिए, टेन का रेसिप्रोकल फंक्शन रह गया है कौन, कॉट ऑफ माइनस थीटा, तो कॉट ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ थीटा। ये सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पॉइंट याद रखना है, क्या पॉइंट याद रखना है, कि अगर फंक्शन के अंदर प्लस माइनस से शिफ्टिंग होगी, ठीक है, यानी एंगल का अगर ओरिएंटेशन चेंज होगा, ओरिएंटेशन ही तो है ये प्लस और माइनस, आप इधर लेंगे या इधर लेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, तो फंक्शन के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, साइन जरूर चेंज होगा, और कैसे चेंज होगा, साइन यहां से आपको देखना है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, इन दोनों पॉइंट्स के लिए साइन आपको
यहां से देखना है ऑल स्टूडेंट टेकिंग कॉफी, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसी को यूज करते हुए। तो ये सबका ये फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट का ये फंक्शन में प्लस माइनस थीटा करके मैंने आपको दिखा दिया। आइए आगे देखते हैं कुछ और, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं आपको। फंक्शन में क्या करना है, प्लस माइनस 180 डिग्री करना है। तो चलिए साइन के साथ करते हैं, साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस 180 डिग्री। क्या लिखा हुआ है कि फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा तो ये साइन ऑफ थीटा ही रहेगा। ठीक है, साइन कैसे देखेंगे, अब साइन यहां पर प्लस माइनस लगा हुआ, तो एक बार प्लस ले लीजिए एक बार माइनस ले लीजिए। तो अभी हम कर रहे हैं प्लस के लिए, ठीक है, प्लस के लिए देखते हैं। थीटा एंगल आपका ये हो गया, ठीक है, थीटा में आने के बाद आप प्लस आपका मूवमेंट हो रहा है 180 डिग्री का, तो प्लस मूवमेंट किधर होगा, प्लस मूवमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव मूवमेंट करना है आपको, पॉजिटिव मूवमेंट 180 डिग्री करना है। अब यहां से जब आप 180 डिग्री मूव करेंगे तो आप यहां पर आ जाएंगे, ये मूवमेंट हो गया आपका प्लस 180, प्लस 180 डिग्री। कहां पर आ गए आप, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, साइन निगेटिव होता है, तो यहां पर कैसा हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब यहां पे माइनस करके देखते हैं, ठीक है, माइनस का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब आप यहां से अगर क्लॉकवाइज 80 डिग्री का मूवमेंट करेंगे तो कहां आएंगे, फिर यहीं आ जाएंगे, चाहे उधर से घूम के आए या इधर से घूम के आए। ये मूवमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज माइनस 180 डिग्री। तो जब यहां पे थीटा माइनस 180 डिग्री करेंगे तो आप आएंगे तो यहीं पर थर्ड क्वाड्रेंट में ही, थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो चाहे आप प्लस करें या माइनस करें, साइन थीटा प्लस माइनस 180 डिग्री माइनस ऑफ साइन थीटा ही होगा। कॉस के साथ देखते हैं, कॉस थीटा प्लस माइनस 180 डिग्री। तो फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, तो लिख दीजिए आप भी कॉस ऑफ थीटा। ये आ कहां पे रहा है, ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो चाहे आप ऐसे घूम के आए या इधर से घूम के जाए, चाहे प्लस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज आए या क्लॉकवाइज आए, आना आपको यहीं पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में ही। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। उसके बाद टेन के लिए देख लेते हैं, टेन ऑफ प्लस माइनस 180 डिग्री। टेन ऑफ प्लस माइनस 180 डिग्री, ऊपर क्या लिखा है मैंने कि प्लस माइनस 180 डिग्री प्लस 360 डिग्री, और फंक्शन के अंदर प्लस माइनस करने से फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो ये तो टेन थीटा ही रहेगा। लेकिन साइन किसका आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है। तो चाहे आप ऐसे घूम के आए प्लस 180 डिग्री या माइनस 180 डिग्री, यहां पर प्लस टेन थीटा ही होगा। फिर और देख लेते हैं, कॉसेक, कॉसेक थीटा प्लस माइनस 180 डिग्री क्या हो जाएगा। फंक्शन तो चेंज नहीं होना है, फंक्शन चेंज नहीं होना इसका मतलब क्या, आपको लिखना तो कॉसेक थीटा ही है। फिर साइन देखना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, निगेटिव होगा। देन सेक थीटा, सेक ऑफ थीटा प्लस माइनस 180 डिग्री, सेक ऑफ थीटा प्लस माइनस 180 डिग्री, फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, तो लिखना तो आपको सेक ऑफ थीटा ही है। फिर ये क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट कौन सा ही है, थीटा तो ये हो गया आपका। फिर चाहे आप प्लस 180 लें या माइनस 180 डिग्री लें, आपको आना यहीं पे है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, सेक, निगेटिव। देन कॉट थीटा, कॉट ऑफ प्लस माइनस 180 डिग्री, कहां गए आप फिर इसी क्वाड्रेंट में आ गए थर्ड में, और यहां पर कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो चाहे आप प्लस करें या माइनस करें, कॉट प्लस थीटा होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ऐसे 360 के लिए देख सकते हैं, यहां पे 360 कर दीजिए सबके साथ, 360 कर दीजिए, 360 कर दीजिए सब में, सब में 360 कर दीजिए आप चेंज करके। देखिए सब में 360 हो गया। फिर 360 होने के बाद क्या होगा आंसर में, डिग्री लगा लीजिएगा, कहीं अगर जल्दी में मैं डिग्री लगाना रह जाए किसी पे, तो आप डिग्री का सिंबल पुट कर लीजिएगा। साइन थीटा प्लस माइनस 360 डिग्री, तो साइन थीटा तो ये बन गया। प्लस माइनस 360 डिग्री का मतलब क्या है, प्लस 360 आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेके यहां पे पहुंचेंगे, और माइनस 360 में आप क्लॉकवाइज मूवमेंट लेके आप यहीं पर पहुंचेंगे। तो आप जहां पर हैं घूम फिर के, आपको आना वहीं पर है, चाहे क्लॉकवाइज मूवमेंट लेकर आए या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेके आए, तो फंक्शन तो बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन तो कोई नहीं बदलेगा, सिर्फ साइन देखने जा रहे हैं हम लोग सबका।
सबका साइन चेक करना है बस, ठीक है। तो सबका साइन चेक करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉस एक्स, सेक कॉट, ये सब जब 360 डिग्री आप ओरिएंटेड करेंगे, चाहे प्लस करें या माइनस करें, तो घूम फिर के सब आ जाएंगे इसी में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सब में प्लस लगा दीजिए, बस खत्म हो गया ये। तो पहला वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया आपको कि अगर आप प्लस माइनस थीटा करें या प्लस माइनस 180 डिग्री करें या प्लस माइनस 360 डिग्री करें, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन अभी भी वही है, साइन कॉस, टेन कॉस, कॉस सेक, सेक कॉट, सब कुछ वही है, सिर्फ प्लस माइनस का साइन देखना है आपको। प्लस माइनस का साइन कैसे देखेंगे आप, यहां से देखेंगे, और तरीका क्या होगा मैंने आपको बता दिया है। प्लस अगर आप ओरिएंटेशन कर रहे हैं, प्लस का मीन्स एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है आपका, और अगर क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो निगेटिव ओरिएंटेशन है। फिर ये ओरिएंटेशन के बाद आप कहां पर पहुंचेंगे, किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, जिस क्वाड्रेंट में आप पहुंच रहे हैं वहां पर मेन फंक्शन का साइन देखेंगे, जो मेन फंक्शन है यहां पर इसका साइन देखेंगे कि ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, कैसा है। तो अभी जब 360 डिग्री का ओरिएंटेशन कर रहे हैं तो हम फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है तो कोई चेंज नहीं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इसका सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर आप प्लस माइनस 90 डिग्री का शिफ्टिंग करते हैं या 273 डिग्री की शिफ्टिंग करते हैं या एन पाई बाई टू की शिफ्टिंग करते हैं, सच डेट एन ऑड हो, एन ऑड का मतलब या तो एक पाई बाई टू हो या थ्री पाई बाई टू हो या फाइव पाई बाई टू हो या सेवन पाई बाई टू हो, अगर आप ऑड पाई बाई टू की शिफ्टिंग करते हैं तो फंक्शन जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चला जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैं ऑलरेडी पहले के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है, उस लेक्चर को देख लीजिएगा अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको देखना हो। अब स्टार्ट करते हैं साइन से, साइन थीटा प्लस माइनस 90 डिग्री। साइन से स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस माइनस 90 डिग्री, तो क्या होगा ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चला जाएगा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। अब प्लस होगा या माइनस होगा क्या होगा, एक एक करके देखते हैं, पहले साइन थीटा प्लस 90 डिग्री देखते हैं। साइन थीटा ये हो गया, ये आपका थीटा हो गया, प्लस 90 डिग्री है, प्लस 90 डिग्री मीन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो आपने ये 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किया और आप आ गए कहां पर, आप आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में। मेन फंक्शन का साइन देखना है, मेन फंक्शन क्या है, ये मेन फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बहुत, मेन फंक्शन का साइन देखना है, उसका साइन नहीं देखना कॉस को। तो मेन फंक्शन यहां पर कैसा है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां पर माइनस कर दीजिए, माइनस कर देंगे तो अब जो 90 डिग्री का मूवमेंट था आपका, प्लस 90 था, अब वो माइनस 90 डिग्री मूवमेंट करना होगा आपको। माइनस 90 डिग्री कैसा होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप यहां से, यह आपकी लोकेशन है, यहां से आप जब माइनस 90 डिग्री का मूवमेंट करेंगे तो आप आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहां पर आ जाएंगे आप, ठीक है, फोर्थ में आ गए आप। फोर्थ में साइन कैसा होता है, फोर्थ में साइन निगेटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो यहां पर हो गया माइनस। ये मैंने दोनों एक साथ आपको समझा दिया है। साइन किसका देखना है, मेन फंक्शन का, बार बार मैं आपको साइन दिखाऊंगा, इसी से सारे आंसर आते रहेंगे। फिर कॉस में आ जाइए, कॉस थीटा प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है मतलब किस में जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जाएगा, लिख दीजिए साइन थीटा। फिर साइन कैसे देखेंगे, साइन इसी से देखेंगे, ऑल स्टूडेंट टेकिंग कॉफी, और किसका साइन देखना है इसमें, मेन फंक्शन का, मेन फंक्शन क्या है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा प्लस 90 डिग्री, थीटा ये हो गया प्लस 90 डिग्री, आप आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, निगेटिव, तो यहां लगा दीजिए निगेटिव। उसके बाद माइनस के लिए देख लेते हैं, थीटा माइनस 90 डिग्री हो तो माइनस का मतलब कि अब आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करना है, तो आप आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में आ गए। फोर्थ में कॉस कैसा होता है, कॉस होता है पॉजिटिव, तो यहां साइन आ जाएगा प्लस का। तो ये सारे साइन जो आ रहे हैं ये मेन फंक्शन के उससे आ रहे हैं कि मूवमेंट करने के बाद आप पहुंच कहां पर रहे हैं और जहां पहुंच रहे हैं वहां पर उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन कैसा है। आइए अब 10 के लिए देख लेते हैं, 10 ऑफ 90 प्लस थीटा, तो ये किस में जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कौन है 10 का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉट है, चला गया उसमें। साइन कैसा होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो उसका साइन आ गया माइनस। फिर इसी में आप एक और बना लीजिए, 10 ऑफ थीटा माइनस 90 डिग्री किस में जाएगा, कॉट में जाएगा। साइन कैसा होगा, ये साइन डिपेंड करेगा कि वो किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, ये थीटा माइनस 90 डिग्री, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, थीटा ये हो गया माइनस 90 डिग्री, आपने 90 डिग्री का मूवमेंट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप यहां से जब 90 डिग्री का मूवमेंट करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और यहां पर ये निगेटिव होता है, तो चाहे आप प्लस थीटा करें
प्लस 90 डिग्री करें या माइनस 90 डिग्री करें, चाहे आप सेकंड क्वाड्रेंट में आए या फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, टेन निगेटिव ही होता है, इसलिए दोनों केस में यहाँ माइनस ही रहेगा। ये टेन के बाद आप किसको देखते हैं, आप देखते हैं साइन का जो रेसिप्रोकल फंक्शन है कौन है, कॉसेक। तो कॉसेक के लिए कॉल कॉसेक थीटा प्लस माइनस 90 डिग्री। कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इसका सेक थीटा, तो ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चला जाएगा, सेक थीटा में चला जाएगा। साइन देखना है मुझे, तो पहले प्लस के लिए देखते हैं, प्लस के लिए देखते हैं, प्लस के लिए मींस सेकंड क्वाड्रेंट में, आप सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो यहां पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद माइनस करते हैं, माइनस करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, यहां पर मेन फंक्शन का साइन देखना है, कॉसेक कैसा होता है, यहां पे कॉसेक नेगेटिव होता है, यहां पे माइनस लगा दीजिए। अब आते हैं सेक थीटा के लिए, सेक थीटा प्लस माइनस 90 डिग्री। तो पहले प्लस के लिए देख लेते हैं, सेक अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कौन है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा लिख दीजिए। अब साइन कैसे देखेंगे, आप किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में मेन फंक्शन सेक थीटा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, यहां पे माइनस कर दीजिए। उसके बाद फिर यहां माइनस लगाइए, माइनस लगाते ही आप कहां पर आ गए, आप आ गए यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, सेक पॉजिटिव होता है, कौन कौन पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस और सेक। उसके बाद लास्ट देख लेते हैं कॉट थीटा के साथ क्या होगा, कॉट थीटा प्लस माइनस 90 डिग्री, कॉट थीटा प्लस माइनस 90 डिग्री, कॉट अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कौन है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है टेन थीटा। अब साइन देखना है हमें, तो पहले प्लस प्लस के लिए देख लेते हैं, थीटा प्लस 90 डिग्री के लिए, थीटा प्लस 90 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में मेन फंक्शन कॉट थीटा का साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा, माइनस लगा दीजिए, माइनस लगाते ही कहां गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट थीटा का साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट थीटा का साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा, तो कॉट ऑफ थीटा माइनस 90 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस ऑफ टेन थीटा होगा, यानी आप चाहे प्लस थीटा करें, प्लस 90 डिग्री करें या माइनस 90 डिग्री करें, चाहे आप सेकंड क्वाड्रेंट में आए या फोर्थ क्वाड्रेंट में आए, साइन निगेटिव ही होगा, क्योंकि कॉट जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड और फोर्थ में निगेटिव ही होता है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि अगर आप थीटा के साथ प्लस माइनस 90 डिग्री करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है सबके साथ, तो क्या होगा, आप इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चले जाएंगे। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस और सबके अपने अपने सब कॉम्प्लीमेंट्री में चले गए। साइन कैसे देखना है, साइन आपको वहां से देखना है, और वहां पर भी किसको देखेंगे, मेन फंक्शन को देखेंगे, जिसमें जा रहा है उसका साइन नहीं देखना है, मेन फंक्शन का साइन देखना है। तो मेन फंक्शन जो है वो ये है, ये जो लिखे हुए हैं ये मेन फंक्शन है, इसका साइन देखना है कि वो जिस क्वाड्रेंट में जा रहा है उस क्वाड्रेंट में इसका साइन कैसा है, इसका साइन जैसा होगा वैसा ही साइन इनके साथ आ जाएगा। 270 कर लीजिए सब जगह पर, आइए 270 डिग्री के साथ देख लेते हैं कि 270 डिग्री के साथ अगर हम लोग शिफ्टिंग करते हैं एंगल में, तो उसके ऊपर क्या रिजल्ट निकलेगा उसका। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको कि अगर आप 270 डिग्री के साथ शिफ्टिंग करते हैं, तो फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चला जाएगा। और साइन कैसे देखेंगे, साइन आप ऐसे देखेंगे कि वो मेन फंक्शन जो है वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, जिस क्वाड्रेंट में जा रहा है वहां पर कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, वहां से आप साइन डिसाइड करेंगे। तो आइए साइन के लिए लेते हैं फटाफट, साइन थीटा प्लस 270 डिग्री। तो प्लस 270 डिग्री का मूवमेंट कैसा होगा, प्लस है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। देखिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, ये पहला आपने 90 डिग्री का मूवमेंट किया, फिर 90 डिग्री 180 मूव कर गए आप, उसके बाद फिर 90 डिग्री आपने मूवमेंट किया एंटी क्लॉकवाइज, तो टोटल मूवमेंट कितना हो गया, 90 प्लस 90 प्लस 90, मींस प्लस के 270 डिग्री का मूवमेंट किया है। तो आप थीटा थे यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपने प्लस 270 का मूवमेंट किया है, आप आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में सबके जितने भी मेन फंक्शन है सबका साइन देख लीजिए और फटाफट वहां लगा दीजिए, ठीक है। साइन को कॉस में जाना है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन है, वहां उसको जाना है। टेन को कॉट में जाना है, कॉसेक को सेक में जाना है, और सेक को कॉसेक में, और कॉट को टेन में, अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चले गए। अब सबका साइन लगाना है आपको, तो साइन देखिए प्लस, जब आपने प्लस 270 किया है तो प्लस 270 डिग्री आप आ गए हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। उसके बाद कॉसेक के लिए, कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, कॉस के लिए सॉरी, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहां पर प्लस आ जाएगा। टेन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, निगेटिव होता है। कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, निगेटिव होता है। सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहां पर प्लस साइन आ जाएगा। कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, कॉट निगेटिव होता है, तो यहां पर माइनस आ गया, ठीक है। अब इसका माइनस 270 डिग्री भी देख लेते हैं। माइनस 270 का मीन्स क्या है, प्लस 270 का मीनिंग है कि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहे थे, माइनस का मतलब है कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहे थे। मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें इस चीज को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब आप मूव कर रहे हैं माइनस 270 डिग्री,
मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जरा आइए आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराते हैं। ये आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट किया है 90 का, फिर 90, फिर 90, 90, 90, 90, 270 का मूवमेंट हो गया, माइनस 270 का मूवमेंट हो गया और आप आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। कहां पर आ गए? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए आप। अब सबका साइन लगा दीजिए आप। साइन कैसा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव, यहाँ प्लस आ जाएगा। कॉसेक कैसा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? निगेटिव, यहाँ माइनस आ जाएगा। कब? जब यहाँ पे आप माइनस 270 करेंगे तब यहाँ पे माइनस आएगा। फिर यहां पर जब आप माइनस 270 करेंगे तो आप आ जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो चाहे आप प्लस 270 करें या माइनस 270 करें, चाहे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आए प्लस 270 करके या माइनस 270 करके सेकेंड क्वाड्रेंट में आए, दोनों में 10 निगेटिव होता है, तो यहाँ पर निगेटिव ही रहेगा। कॉसेक कैसा होगा? माइनस करने पर जब आप यहाँ माइनस 270 कर देंगे तो कॉसेक जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा। सेक सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? निगेटिव होता है। कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो चाहे आप प्लस 270 करें या माइनस 270 करें, चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट में आए या सेकेंड क्वाड्रेंट में आए, कॉट निगेटिव ही होगा, तो यहाँ पर माइनस ही आएगा। इसी तरह से जब आप एन पाई बाई टू करेंगे, एन पाई बाई टू मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, तो एक मल्टीपल तो ये हो गया 90, फर्स्ट ऑड मल्टीपल। सेकेंड ऑड मल्टीपल क्या है? 3 इंटू 90, तो आपको मिल गया 270। फिर 5 इंटू 90 मीन्स 450 डिग्री, और इसी तरह से आगे भी 7 इंटू 90 9 इंटू 90, और आगे जितने भी बनेंगे सब में ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने लिख दिया है ये इन जनरल लिख दिया है कि अगर आप थीटा में प्लस माइनस एन पाई बाई टू करेंगे तो आप उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चले जाएंगे, और साइन आपको यहां से देखना है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी जो मैंने आज आपके लिए कंक्लूजन दे दूं आपको अपने आज के लेक्चर का। मेरा कंक्लूजन ये है कि आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर शिफ्टिंग करते हैं प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस 180 डिग्री या प्लस माइनस 360 डिग्री की, तो फंक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, फंक्शन अपने ही डोमेन में रहेगा। हाँ, साइन के अंदर जरूर चेंज। आपको साइन कहां से देखना है? साइन यहां से देखना है, और स्टूडेंट टेकिंग कॉफी से। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है इसका, कि अगर आप 90 डिग्री या प्लस 270 डिग्री या एन पाई बाई टू से शिफ्टिंग करते हैं तो फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में चला जाएगा। और ये सब एक फंक्शन के अपने कॉम्प्लीमेंट्री लिख दिया मैंने, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक, कॉट का टेन। और साइन कैसे देखेंगे आप? साइन इसी से देखेंगे कि वो जा कहां पर रहा है, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, वहां पे साइन कैसा है।